हेलो सो वेलकम बैक गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्तार स्टार बूस्ट के ऊपर, ठीक है। ये होता क्या अल्तार स्टार बूस्ट, ठीक है। सो हम आज पूरा टॉपिक इसी पर रखेंगे, हमें ये क्या क्यों ज़रूरत है, हमें किस लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, या बड़े प्लेयर्स क्यों इस पर डिपेंड करते हैं। तो मतलब इसके बारे में मैं आपको टोटल डिटेल बताऊंगा, अल्तार बूस्ट होता क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है रैलीज में या नॉर्मल अटैक्स वगैरह में। तो ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस जिसको इसके बारे में कुछ भी पता है वो जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दे, ठीक है गाइस। और आगे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना, ठीक है गाइस। जिसको भी पता है उसको, मुझे जहाँ तक लगता है उसको कुछ नया ज़रूर इस वीडियो से पता चलेगा। अगर कुछ नया पता चले तो जस्ट कमेंट में वो भी बता देना, क्या भाई ये चीज़ आपको पता थी या नहीं थी, जो भी है। बट ये टोटल वीडियो अल्तार स्टार बूस्ट के ऊपर ही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ अल्तार को, जो देखो लेवल 25 आपको तो करना ही करना, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो ये लेवल के अकॉर्डिंग देख सकते हो, यहाँ पर ट्रैवल स्पीड वगैरह मैक्स एचपी वगैरह लेवल के अकॉर्डिंग ये देता है, ठीक है बूस्ट। अब ये हमारा हो चुका है कितना 25, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ आप मेनली एक चीज़ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है ये देख सकते हो, अल्तार बूस्ट एक्टिवेटेड व्हेन कैप्चर लीडर आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो ये एक्टिवेट कब होगा, जब आपने किसी लीडर को कैप्चर किया, ठीक है। सपोज आपने किसी भी लीडर को कैप्चर किया, वो आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। प्रेजेंस में यहाँ पे आने के बाद आपको किल करने का ऑप्शन मिलेगा, या फिर वो होता है ना 3 दिन का टाइम मिलता है, 3 दिन तक आप उसको रिलीज नहीं करते हो तो इसके उसका ऑप्शन आता है, क्या कहते उसे एक्सक्यूट का ऑप्शन आता है, उस पर आप जस्ट क्लिक कर देते हो वो एक्सक्यूट हो जाता है। तो जैसे ही एक्सक्यूट होता है उसके बाद ही आपका ये एक्टिव हो जाता है, यहाँ पर लाइटनिंग वगैरह हो जाती है, जलने लग जाती है, ठीक है। तो और उसके बाद आपको जो बेनिफिट मिलता है वो क्या मिलता है, आपकी जो टोटल आर्मी है वो आर्मी की अटैक बढ़ जाती है, डिफेंस बढ़ जाती है और एचपी बढ़ जाती है, साथ में ट्रैवल स्पीड भी बढ़ जाती है, ठीक है। अब आप सोचो आपके पास जितने का भी स्टैट्स है उसमें 38% का और इंक्रीज़ हो जाएगा आर्मी अटैक, मतलब टोटल रेंज कैव इन्फेंट्री सीज तीनों के अटैक डिफेंस और एचपी बढ़ जाएगा। प्लस में आप अगर कहीं जाते हो ट्रूप भेजते हो तो उसकी ट्रैवल स्पीड भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये रहता है, ठीक है। तो ये तो आपको इतने इतने परसेंट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं इसमें और क्या क्या, देखो ये जो रहता है ना इसका टाइम पीरियड यहाँ पे दिखाया गया है आपके पास 24 आवर्स बूस्ट एक्सक्यूट मोर लीडर्स टू एक्सटेंड बूस्ट ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये क्या है ना कि आपके 24 घंटे, जैसे आप किसी एक लीडर को एक्सक्यूट करते हो ना तो वो आपको क्या देखता है 24 घंटे का स्टार बूस्ट दे देता है वो, ठीक है। ठीक है, तो ये 24 घंटे का मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है ना गाइस, अगर आप एक और कर देते तो ये 24 घंटे से फिर 2 दिन का हो जाता है 48 घंटे। ऐसे आप जितने कर दोगे ये उतना एक्ट मतलब टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। कोई टाइम इसका घटेगा नहीं, ठीक है, बढ़ता जाएगा। जितने ज़्यादा कर दोगे उतने ज़्यादा टाइम तक इसका अल्तार बूस्ट बढ़ता रहेगा। और इसके ऊपर ना गाइस कुछ रिसर्च वगैरह भी है जो आपको करने चाहिए, ठीक है। ये तो आप नॉर्मली पता चल गया आपको, ये अटैक बूस्ट वगैरह एक्टिवेट हो जाएगा जब आप किसी भी लीडर को एक्सक्यूट करते हो तो, और यहाँ लाइटनिंग वगैरह हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसका जो कुछ रिसर्च ट्री होता है वो क्या सिस्टम हमें बताता है, ठीक है। तो हम रिसर्च में जब जाते हैं तो नॉर्मली हमें क्या करना होता है, इसका नॉर्मली आपको फिर इसमें जाना है, वो मिलिट्री कमांड में आपको जाना है, ठीक है। यहाँ मैं ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, बट आपको यहीं पे रिसर्च करना अगर आप अल्तार स्टार बूस्ट को एक्टिव करना चाहते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे आप नीचे जाओगे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन खुल जाएगा जो मेरा खुला हुआ नहीं है, ठीक है। तो जस्ट इसके हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ आप विजुअली पढ़ पा रहे हैं कि यहाँ लिखा है अल्तार स्टार बूस्ट ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये कितना ड्यूरेशन देख सकते हो यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 360 मिनट्स, जोर लो कितने घंटे होते, ठीक है। तो यहाँ आपको टोटल अगर काउंट किया जाए तो आई थिंक 360 में आपको 6 घंटे है ना, 6 6 36, हाँ 6 घंटे का आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है गाइस, 6 घंटे का। 24 घंटे एक लीटर का एक्सक्यूट करते तो आपको 24 घंटे मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ आपने इस वाले को अगर आपने मैक्स कर लिया रिसर्च को तो 6 घंटे और मिल जाएगा, टोटल हो जाएगा 30 घंटे। अगर एक लीडर को एक्सक्यूट करते हो तो 30 घंटे आपको हो जाएगा, दो करते हो तो 60 घंटे, तीन करते हो तो समझ जाओ 90 घंटे।
तो ऐसे ये टाइम बढ़ता रहेगा जितने एक्सक्यूट करते हो। बस एक इसका यही एक रिसर्च है, और कोई रिसर्च नहीं है, ठीक है। बाकी और कहीं जाकर देखना चाहो तो कहीं आपको नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ डिफेंस डिफेंस का। ये भी मेरा मैक्स होने वाला है, देख सकते हो यहाँ पे, बस ये दो रह गए, ठीक है। तो वो तो मैं चाहूँ तो अभी कर सकता हूँ, मेरे पास रिसर्च बहुत है अभी, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूँ गाइस कि अल्तार स्टार बूस्ट आपका जो भी है यहाँ पे, तो ये आपके टोटल हो जाएंगे 24 और 6 30 घंटे का जाएगा आपका स्टार बूस्ट, ठीक है। अब 30 घंटे तक जब आपको इतना इतना अटैक मिलता रहेगा, 38% अटैक, वो भी पूरे आर्मी की, इन्फेंट्री अलग 38 है, कैब अलग 38 है, रेंज अलग 38 है, सीज अलग 38 है, तो भाई सोचो ना कितना बेस्ट होगा। तो इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा ना, जैसे हमारे, आपने देखा ना देखा, हमारे गिल्ड में भी जो होता है वो मैं बता दूँ। जैसे हमारे गिल्ड के किसी भी मेंबर्स पे अटैक होता है ना गाइस, तो क्या करता है दूसरा जो हमारा R4 है, भाई देखो जो भी मेरे को गिल्ड में आने के लिए आमंत्रित कर रहा है, जो मेरे को मैसेज कर रहा है ना, मतलब मेल कर रहा है कि भाई अपना गिल्ड में ले लो, गिल्ड में ले लो, तो भाई मैं आज उस बंदे की आपको रूबरू दर्शन करवा देता हूँ, जिससे आप बोलकर आप एंट्री ले सकते हो। उसके अलावा आपको जल्दी कोई एंट्री नहीं देगा, या उससे बिना पूछे कोई आपको गिल्ड में एंट्री नहीं देगा, ठीक है। तो मेनली यहाँ तक कि यहाँ किसका लीडर भी वही है, समझ लो, ठीक है। वैसे तो वो R4 है, तो कहाँ गया वो भाई, ये रहा, ठीक है। तो भाई जिसको भी इस गिल्ड में ज्वाइन होना है, जस्ट इसको भाई मेल कर सकते हो, आप देख सकते हो। अगर इसको लगेगा हाँ भाई आप इस गिल्ड के लायक हो, तो ये ज़रूर आपको ले लेगा, डजेंट मैटर कि आपकी माइट कितनी है नहीं है, ठीक है। आपको बस ये करना है कि आप इस लायक होने चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, तो हमारा क्या करता है मेनली, जो ये प्लेयर है ना, ये क्या करता है, जैसे उस बंदे को ना, मतलब गिल्ड से ये निकल जाता है, फिर उस बंदे पे एक ट्रूप से अटैक कर देता है, ठीक है, अपना लीडर उसको देता है, फिर वो बंदा इसके लीडर को एग्जीक्यूट कर देता है, मतलब किल कर देता है, और फिर उसके पास अल्तार बूस्ट एक्टिव हो जाता है। तो इससे क्या, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा अटैक और डिफेंस HP वगैरह एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा रैलीज वगैरह को डिफीट करने में ईजी हो जाता है, समझ गए गाइस। तो क्योंकि यार 38% अगर टोटली जोड़ लिया जाए तो 124 है ना, 114 हाँ 114 है ना, 114% का अटैक बूस्ट मिल रहा, तो अटैक और 114 का डिफेंस और 114 का HP मिल रहा, तो कम थोड़ी ना होता है गाइस। टोटल जोड़ रहा हूँ मैं तीनों का जोड़ के, रेंज कैब इन्फेंट्री का, तब कह रहा हूँ मैं, तो टोटल इतना हो गया तो यार कम नहीं होता, ठीक है ना। तो भाई और ऊपर से अगले बंदे की 500-600 तो मिनिमम होगा ही होगा, है ना, तो 100 और मिल रहा तो क्या ही कमी है। इसीलिए इस पे अल्तार बूस्ट लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर ज़्यादा। तो मैं आपको भी कहूँगा अल्तार बूस्ट पे थोड़ा फोकस करो, अगर आप अटैक प्लेयर हो तो, अटैक डिफेंड करने में फोकस कर रहे हो तो। भाई अभी तो मैंने अटैक डिफेंस सब बंद कर रखा है, मैं कुछ नहीं कर रहा किसी पर, नॉर्मली मैं बस अपने आप को थोड़ा सा और मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको भाई मैंने बता दिया अल्तार बूस्ट के ऊपर, आई होप आपके कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो बता देना, और जो न्यू यूज़र्स हैं उनको मैं बता दूँ कि अराउंड आपके 6 लाख जैम्स, 6 लाख ना, हाँ 600K जैम्स आपके टोटल लगते हैं सभी बिल्डिंग को लेवल 25 करने में। तो आप अगर न्यू है तो अभी यार जैम्स को इधर उधर इन्वेस्ट ना करें, आपको बिल्डिंग्स वगैरह अपग्रेड करने में बहुत जैम्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए आप सेव करके रखें जैम्स, ठीक है। 6 लाख जैम्स लगेंगे आपके, ठीक है। अगर बाकायदा आप किसी अच्छे गिल्ड में ज्वाइन है तो थोड़े बहुत कम भी लग जाते हैं, बट 6 लाख तो लगने ही लगने हैं, ठीक है। तो यार ये वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कितने सारे टॉपिक जो लिख रखे हैं। बाकी अगर आपको भी कोई टॉपिक लगता है कि उस पर वीडियो बनानी चाहिए तो ज़रूर मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने क्या क्या लिख रखा है यहाँ पे, लॉर्ड्स मोबाइल अपकमिंग वीडियोस, और ये कुछ टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं, ठीक है, जिसमें से ये अल्तार बूस्ट वाला मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। अगर आप और कोई आपके पास है तो वो कमेंट करके बता दो, मैं वो भी इसके नीचे लिख दूंगा। प्लस में इन, अब जो बचे हुए इस चौथे नंबर को हटा के बचे हुए 4 में से अगर कोई सी वीडियो आपको जल्दी चाहिए तो उसके लिए आप बता दो, वो वीडियो आपको जल्दी कल ही मिल जाएगी या परसों तक मिल जाएगी, बस इतना कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी तो मैंने भाई यही कुछ टॉपिक जो मैंने कमेंट्स वगैरह देख के नोट किए हैं, बाकी आप जैसा बताओगे वैसा भी हम कर लेंगे। इसमें से कोई जल्दी चाहिए तो जल्दी बता देना, मैं ये भी बना दूंगा। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओ भाई ओ, ठीक है, बाय।